वेलकम टू आवर चैनल डिंग डोंग गर्ल्स। मैं खुशी, मैं साक्षी, मैं पूजा। और गाइस, हमारा आज का चैलेंज होने वाला है गेस द सॉन्ग चैलेंज। तो गाइस, आज के चैलेंज में हुआ क्या, हमारे सामने एक सॉन्ग की वीडियो चलेगी और उसमें सॉन्ग जो होगा वो म्यूट होगा। हमें सिर्फ वीडियो देख के गेस करना है कि वो कौन सा सॉन्ग है। सॉन्ग गेस करने के लिए हमें मिलेंगे 30 सेकंड्स। अगर हम 30 सेकंड्स में अपना सॉन्ग गेस कर देते तो हमें यहाँ पे फूड मिलेगा खाने को, और अगर हम फूड खत्म कर देंगे 1 मिनट के अंदर तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 1 पॉइंट। तो गाइस, बेसिकली आज के चैलेंज में हमें टोटल मिलने वाले हैं 1 मिनट 30 सेकंड। 30 सेकंड में हमें अपना सॉन्ग गेस करना है एंड 1 मिनट में फूड खत्म करना है। और गाइस, हमारा आज का चैलेंज होने वाला है टोटल 4 राउंड्स में। 4 राउंड्स में हम तीनों में से जिसके पास भी सबसे ज्यादा पॉइंट्स होंगे वो होगा इस चैलेंज का विनर, और बाकी दो को देगा पनिशमेंट। तो गाइस, देखते हैं आज के चैलेंज में कौन करता है पनिशमेंट और कौन होता है विनर। लेकिन ये देखने से पहले हम आपको अपना फूड दिखा देते हैं कि आज हमने क्या क्या लिया है। गाइस, यहाँ पे रखा है हमारा चिली पनीर विद नूडल्स, एंड इसी के साथ यहाँ पे रखा है हमारा मैक्सिकन बुरेटो, एंड यहाँ पे रखे हमारे चॉकलेट मोमोज, और यहाँ पे रखा हुआ है पनीर टिक्का राइस, एंड उसी के साथ इधर रखा हुआ है स्पेगेटी पास्ता। और मेरे सामने जो प्लेट रखी है उसमें रखे हैं यहाँ पे डंपलिंग्स, एंड आप देख सकते हो इनकी जो लेयर है वो बहुत ही थिन है। एंड उन्हीं के साथ जो दूसरे मोमोज है ये है हमारे स्वेमे मोमोज, एंड आप देख सकते हो ये थोड़े से डिफरेंट लग रहे हैं जो हमारे नॉर्मल मोमोज होते हैं उनसे, एंड इसके अंदर की फिलिंग आपको प्रॉपर ऊपर से दिखाई भी दे रही है। और गाइस, इस प्लेट में रखे हमारा पनीर पास्ता, आप देख सकते हो यहाँ पे जो पनीर है ना उसको अच्छे से क्रंच करके दिया हुआ, एंड ये हमारा पास्ता, साथ में चेरी टोमेटो भी है इसमें। तो गाइस, हम जल्दी से अपना चैलेंज स्टार्ट करते हैं मुझसे, लेकिन उससे पहले आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताने वाली हूँ एक बहुत ही बड़े इवेंट के बारे में। इसका नाम है अनअकैडमी आरएम 2024, जो की है IIT JEE NEET UG स्टूडेंट्स के लिए। इस इवेंट को ज्वाइन करेंगे 750 लर्नर्स, एंड साथ ही ऑल ओवर कंट्री से ज्वाइन करेंगे 2 लाख से अबव स्टूडेंट यूट्यूब लाइव पर। आरएम 2024 होगा 7 अप्रैल को 1 बजे से 3 बजे तक। आप इस इवेंट को लाइव देख सकते हो इनके यूट्यूब चैनल पे, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। अभी इनके चैनल पे विजिट करो और नोटिफाई मी को प्रेस करो। और इस इवेंट को होस्ट करने आ रहे करण जौहर और को होस्ट होंगे कुल्लू, एंड टॉपर्स विल बी फेलिसिटेटेड बाय बॉलीवुड सेलिब्रिटी कार्तिक आर्यन एंड टेनिस आइकन सानिया मिर्जा एंड विजनरी बिजनेस लीडर अनुपम मित्तल, एंड ये लोग करेंगे आप लोगों को इंस्पायर। और यहाँ पे होने वाली है बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट्स। तो गाइस, आरएम 2024 होने वाला है बहुत ही बड़ा इवेंट IIT JEE एंड NEET UG स्टूडेंट्स के लिए। अनअकैडमी की तरफ से होने वाले हैं 4 बिग रिवील्स एंड बिग सरप्राइज। So stay tuned. So guys, जो लोग IIT, JEE and NEET की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही बड़ा सेलिब्रेशन होने वाला है, एंड जो लोग क्रैक कर चुके हैं उनके लिए भी। तो आप इस इवेंट को लाइव देख सकते हो इनके यूट्यूब चैनल पे, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। अभी इनके चैनल पे विजिट करो और नोटिफाई मी को प्रेस करो। जल्दी से जाइए, नोटिफाई मी बटन को प्रेस कीजिए एंड ज्वाइन कीजिए 7 अप्रैल को 1 से 3 बजे तक। तो मैं अपना फूड ले लेती हूँ, देन मेरा सॉन्ग आ जाएगा सामने। तो गाइस, फर्स्ट राउंड में मैंने लिया है यहाँ पे मैक्सिकन बुरीटो। तो गाइस, मेरे पास सॉन्ग को गेस करने के लिए 30 सेकंड्स है, 30 सेकंड्स में मुझे सॉन्ग को गेस करना है, एंड इस फूड को खाने के लिए मेरे पास है 1 मिनट। एंड गाइस, जो हमें सॉन्ग गेस करने के लिए आ रहे हैं ना वो हमें नहीं पता तीनों में से किसी को भी, क्योंकि वो हमारी टीम दे रही है एट द टाइम की लो अब दिखा दो और गेस करा दो। तो गाइस, वो हमें नहीं पता। साक्षी रेडी? यस। ओके, 3 2 1 स्टार्ट। साक्षी, ये है तुम्हारा सॉन्ग। बताओ बताओ। मुझे नहीं पता। कुछ तो गेस कर, मतलब थोड़ा सा आइडिया आ रहा हो। 15 seconds. गाइस, ये वाला गाना है पप्पू कुड़ियों में, नहीं पप्पू की गाड़ी तेज है, पप्पू कुड़ियों में क्रेज है, पप्पू की आंखें लाइट ब्लू, पप्पू दिखता अंग्रेज है बट पप्पू कैन डांस अला। गाइस, यहाँ पे मैं गेस तो नहीं कर पाई, ना ही मुझे मिलेगा फूड, और मेरे हाथों से पॉइंट भी जा चुका है। अब चलते हैं हमारी खुशी के पास। तो गाइस, मैंने लिया है यहाँ पे पनीर पास्ता। तो हम खुशी के लिए सॉन्ग लेकर आ चुके हैं। तो खुशी रेडी? रेडी। ओके, 3 2 1 स्टार्ट। यार देख, दिमाग में गाना नहीं आएगा। और ये बहुत इजी है। इडियट हो तुम, गधे हो। अभी तुम्हें नॉलेज नहीं, हमसे पंगा लेने वाली है। वाले पन वाले बेबी डू। सही गाया है तूने। आगे नाम याद नहीं आ रहा। तुम गधे हो, अभी तुम्हें नॉलेज नहीं है। गाइस, यहाँ पे खुशी ने
सॉन्ग तो सही गेस करा बट उसने मेन लाइन नहीं बोली, पापा तो बैंड बजा, इसलिए खुशी को यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं मिलेगा, ना ही उसे फूड मिलेगा, फूड नहीं मिलेगा तो पॉइंट भी कैसे मिल सकता है, क्योंकि बेसिकली हम यहाँ पे कर रहे हैं गेस द सॉन्ग नेम चैलेंज, तो यहाँ पे हमें सॉन्ग का जो नेम है वो भी बताना है कि एक्चुअली उसका टाइटल क्या है। तो ये जो गाना है इसका टाइटल ये पापा तो बैंड बजाए, तो उसने ये बोली ही नहीं लाइन, ये हम दोनों ने बोली, उसने नहीं बोली है। गाइस जैसे खुशी ने गाने की लाइन गाई थी, इडियट हो तुम, गधे हो अभी तुम्हें नॉलेज नहीं है, वो था तो उसी गाने की लाइन थी, बट जब तक जैसे उसने ये गाना गा दिया, बट अगर वो इस लाइन में भी वो वाली लाइन नहीं बोल पाई पापा तो बैंड बजाए, तो वो गाना कंसिडर नहीं करा जाएगा, ये हमारी टीम ने हमें अभी अभी बताया है। अगर वो बोल देती ना आगे भी पापा तो बैंड बजाए, तो हम वो कंसिडर कर देते, क्योंकि उसमें मेन नाम आना चाहिए गाने का, चाहे तुम गाना कितना भी लंबा गा लो अगर उसमें मेन नाम नहीं आएगा तो वो गाना कंसिडर नहीं करा जाएगा। तो गाइस अब चलते हैं मेरी तरफ। तो गाइस मैंने इस राउंड में लिया है स्वीम एंड मोमोज एंड साथ में चटनी। तो गाइस पूजा ने भी अपना फूड ले लिया है, उसको सुनाते हैं उसका गाना, मतलब दिखाते हैं, सुनाते नहीं है। पूजा रेडी, 3 2 1 गो। अरे यार खाई के पान बना, नहीं ये वो नहीं है, सॉरी सॉरी ये वो नहीं है। अरे यार ये मुझे पता है गाना, पीपल ऑन द फ्लोर शायद ये वो वाला। अरे नहीं। अबे यार मुझे ये गाना पता है, मुझे गुस्सा आ रही है लेकिन शिट यार नहीं पता, मतलब कैसे पता है, वैसे दिमाग में नहीं आ रहा। 28 29 30 सब पूजा। तो गाइस ये गाना है हमारा के पग घुंगरू बांध मीरा नाची थी, मैं इसको गेस कर लिया था पहले, फिर मैं कंफ्यूज हुई ना बाद में, देखा मन करता है वही है ये वैसे ना? सुना हुआ है, पता है वो म्यूट में चल रहा है ना, तो समझ ही नहीं आ रहा यार ये कौन सा गाना है, एक बार गा के सुनाओ। तो गाइस मैं आपको गाना गा के भी सुना देती हूँ, ये गाना है के पग घुंगरू बांध मीरा नाची थी और हम नाचे बिन घुंगरू के पग घुंगरू बांध मीरा नाची थी। गाइस मेरे को पूजा का पूरा गाना प्रॉपर नेम सब आ गया, पर अपना मुझे गाना तो आ गया, नाम याद नहीं है, पापा तो बैंड बजाए। तो गाइस यहीं पर हमारा फर्स्ट राउंड खत्म हो चुका है, हम तीनों को ही कोई पॉइंट नहीं मिला, अब चलते हैं हमारे सेकंड राउंड की तरफ। तो गाइस यहाँ पे मैंने लिया डंपलिंग्स एंड साथ में उनकी तीखी तीखी चटनी। तो हम यहाँ पे साक्षी के लिए सॉन्ग लेकर आ चुके हैं, एंड साक्षी तुम रेडी हो? यस। ओके 3 2 1 स्टार्ट। हवन कुंड बस दो का झुंड सुनसान रात रख दिल पे हाथ बोले साथ साथ हम क्या करेंगे, हवन करेंगे हवन करेंगे हवन करेंगे। गाइस ये ना हमारा सॉन्ग जो साक्षी ने गेस कर लिया है, हवन करेंगे हवन करेंगे हवन करेंगे। तो गाइस मेरा सॉन्ग था ओ हवन कुंड में दो का झुंड सुनसान रात रख दिल पे हाथ बोलो साथ साथ हम क्या करेंगे, हवन करेंगे हवन करेंगे हवन करेंगे। ओ जीव जंतु जब सो रहे होंगे, भूत प्रेत सब रो रहे होंगे, ऐसी रात सुनसान रात रख दिल पे हाथ हम साथ साथ बोलो क्या करेंगे, हवन करेंगे हवन करेंगे हवन करेंगे। मैं तो कह रही हवन ही करना पड़ेगा यहाँ पे पॉइंट के लिए। मुझे भी लगता है। तो गाइस यहाँ पे साक्षी को फूड मिल गया है, एंड उसके पास है अब 1 मिनट अपने फूड को खत्म करने के लिए। ओके मैं भूल गई थी। तो साक्षी रेडी? हाँ। ओके 3 2 1 गो। लिरिक्स बता दिए उसके, प्लस उसने अपना फूड भी खत्म कर लिया है। तो गाइस फाइनली सेकंड राउंड में मुझे कुछ खाने के लिए मिला भी, हम तीनों में से मुझे ही को मिला, आगे देखते हैं इन दोनों को भी मिलेगा या नहीं मिलेगा, भरोसा तो नहीं है बट देखते हैं। तो गाइस अब चलते हैं मेरी तरफ। तो गाइस सेकंड राउंड में मैंने लिया है मैक्सिकन बुरीटो। तो गाइस अब आ रही है हमारी खुशी की, हमारे पास सॉन्ग आ चुका है, खुशी रेडी? ओके 3 2 1 स्टार्ट। छोटा बच्चा समझ के हमको ना समझाना रे, डूबी डूबी डब डब डूबी डूबी डब डब, अकल का कच्चा समझ के हमको ना दिख, पता नहीं कैसे ऐसे ही है, ना समझाना रे डूबी डूबी डब डब डूबी डूबी डब डब, अरे नारी दिंदा ना दिन दिंदा नाच नचा देंगे, छोटा बच्चा समझ के हमको आंख दिखाना रे, नाक दिखाना, नाक दिखाना रे, बोल भी रही हूँ। तो गाइस यहाँ पे खुशी ने अपना सॉन्ग बिल्कुल सही
नथिंग एल्स करा है, सिर्फ प्रॉपर लिरिक्स भी गाई है उसको, जितनी आती थी उतनी उसने गा दी, डगमगाती हुई। मतलब यहाँ पे प्रॉपर लिरिक्स नहीं आती ना, हम इतने प्रोफेशनल्स नहीं है यहाँ पे। तो खुशी को यहाँ पे फूड खाने का मौका मिल जाएगा एंड उसके पास है सिर्फ एक मिनट। तो खुशी रेडी? रेडी। ओके 3 2 1 स्टार्ट। ले लिए और जब तक मुझे ये मिल नहीं जाएंगे ना, मैं इनको बार बार लेती रहूंगी। खाने हैं मुझे ये। पूजा रेडी? रेडी। ओके 3 2 1 स्टार्ट। उखाई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला, फिर तो ऐसा करे कमाल, सीधी कर दे सबकी चाल, ओ छोरा गंगा किनारे वाला। फाइनली गाइस, मैंने यहाँ पे एक सॉन्ग गेस करा है एंड अब मुझे फूड मिलेगा खाने को। तो पूजा रेडी? रेडी। ओके 3 2 1 स्टार्ट। नहीं मिला था एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि हमें फूड मिला है खाने के लिए पॉइंट के साथ साथ। आत्मा तृप्त हुई है मेरी, पेट में खाने को गया है। तो अब चलते हैं थर्ड राउंड की तरफ। थर्ड राउंड में मैंने लिया है यहाँ पे चॉकलेट मोमोज। तो गाइस अब टर्न है साक्षी की एंड साक्षी का सॉन्ग आ चुका है। तो साक्षी तुम रेडी हो? ओके 3 2 1 स्टार्ट। अरे ये गाना मुझे पता है यार। अरे यार ये गाना मुझे पता है, रुक जाओ एक मिनट। यार ये गाना मुझे पता है यार, हम कुछ कुछ ऐसा आ रहा है इनको। 20 सेकंड हो चुके हैं, मूवी तो आ गई। कौन सा है यार वाला गाना? ओके 29 30 स्टॉप। ये सॉन्ग साक्षी तो गेस नहीं कर पाई है और साक्षी का जो सॉन्ग था वो ये था, मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरजू जगाऊं अगर तुम कहो। गाइस ये गाना मुझे आता था बट मैं गेस नहीं कर पाई तो मुझे कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। बहुत दुख होता है जब तुम्हें कोई चीज आती होती है और तुम उसे गेस नहीं कर पाते हो। पता है क्या होता है, बहुत सारे गाने ऐसे होते हैं जिनको हमने ना सुना होता है लेकिन उनकी वीडियो हमने नहीं देखी होती है, तो वो हो जाता है कि हम गेस नहीं कर पाते हैं। Exactly. अब आप ये मत बोलना कितने डम हो। अब चलते हैं हमारी खुशी की तरफ। तो गाइस इस राउंड में मैंने लिए है पनीर टिक्का राइस। तो गाइस यहाँ पे खुशी का सॉन्ग आ चुका है, तो खुशी तुम रेडी हो? रेडी। ओके 3 2 1 स्टार्ट। ये मुझे आता है। बहुत ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गाना आए या ना आए गाना चाहिए, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गाना आए या ना आए गाना चाहिए। जैसे हम गा रहे हैं यहाँ पे, गाना गाना तो आता नहीं है लेकिन हम फिर भी गा रहे हैं। आप हमें बेसुरा मत बोलना, हम अपनी सुरीली आवाज आपको दिखा तो रहे हैं, सुना रहे हैं। तो गाइस यहाँ पे खुशी ने अपना सॉन्ग गेस कर लिया और अब बारी है उसके फूड की। तो खुशी रेडी? रेडी। तुम्हारे पास सिर्फ एक मिनट है। ओके 3 2 1 गो। ओके
पॉइंट मिल गया क्योंकि उसने अपना फूड यहाँ पे खत्म कर लिया है। तो गाइस यहाँ पे साक्षी के पास एक पॉइंट है एंड खुशी के पास है 2 पॉइंट एंड मेरे पास भी अभी तक एक ही पॉइंट है। तो अब चलते हैं मेरी तरफ। तो गाइस थर्ड राउंड में मैंने लिए चिली पनीर नूडल्स। तो गाइस हमारे पास पूजा का सॉन्ग आ चुका है, तो पूजा रेडी? रेडी। ओके 3 2 1 स्टार्ट। ओके ओके ओह ये वो वाला गाना है अभी यार। तुम्हें गेस कर। हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम तेरे 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 जाने वाले हैं, काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं। मेरे पास आता हूँ सोचती रह जाती है गाना कौन सा है। तो गाइस पूजा ने यहाँ पे सही गेस कर लिया, अब बारी उसके फूड को फिनिश करने की, उसके पास सिर्फ 1 मिनट है। तो पूजा रेडी? रेडी। ओके 3 2 1 स्टार्ट। अखियों से गोली मारे लड़की का माल, यही वाला तो है ही। बब्बे यार थोड़ा और सोच, ये बहुत इजी है। किसी डिस्को में जाए, किसी होटल में जाए, कोई देख लेना हमें यहाँ कहीं घूम के आए हम। चलो इश्क लड़ाए, चलो इश्क लड़ाए, चलो इश्क लड़ाए सनम। तो गाइस यहाँ पे साक्षी ने अपना सॉन्ग गेस कर लिया है, उसको फूड मिल गया है खाने के लिए। तो साक्षी रेडी? हाँ। ओके 3 2 1 गो। अरे यार ये मुझे आता है, ये मुझे आता है। पापा ने वीडियो देखी है, तूने गाना भी सुना है। अच्छा, और ये गाना बहुत फेमस है। ओके 28 29 30 स्टॉप। ये गाना गाइस 2 मूवीज में है। हाँ। एक तो इसी मूवी में और एक है हम साथ साथ है में। उसमें कहते पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा बेटा, हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने मेरी मंजिल है कहाँ। तो गाइस लास्ट राउंड में मुझे कोई पॉइंट नहीं मिला है, साक्षी के पास है 2 पॉइंट, मेरे पास भी है 2 पॉइंट। अब चलते हैं पूजा की तरफ, वो 2 से 3 हो पाती है या नहीं वो देखते हैं। तो गाइस लास्ट राउंड में मैंने लिया स्पेगेटी पास्ता। तो गाइस पूजा का गाना मेरे पास आ चुका है, साक्षी ने टाइमर ले लिया। तो साक्षी रेडी? यस। ओके 3 2 1 गो। आई एम अ डिस्को डांसर, आई एम अ डिस्को डांसर, बस इतना ही। जिंदगी मेरा गाना, अगर किसी का दीवाना, तो झूमो तो नाचो तो मेरे साथ नाचो गाओ, आई एम अ डिस्को डांसर। इतना याद है फिर तो गाने का नाच कर दिया। तो अब आ रही है उसकी फूड की, तो पूजा रेडी? रेडी। ओके 3 2 1 गो। Thank you.
पॉइंट हो चुके हैं 3 और आज के चैलेंज की विनर है पूजा 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 तो गाइस ये चैलेंज मैं जीत चुकी हूँ 3 पॉइंट से एंड इन दोनों के पास है 2-2 पॉइंट्स एंड मेरे पास है 3-3 पॉइंट्स। तो अब चलते हैं इन दोनों से पनिशमेंट की तरफ। तो गाइस मैं इन दोनों के लिए पनिशमेंट लेकर आ गई। तो गाइस इनको करना क्या है, इनको यहाँ पे गेम खेलना है। आपने देखा होगा मैं और खुशी बहुत ज्यादा खेलते हैं ये गेम स्टोन पेपर सीजर वाला, लेकिन यहाँ पे खेलना है आज साक्षी एंड खुशी को। और ये पकड़ लो आपके ये हथियार है मारने के लिए एक दूसरे को। मान लो तुम जैसे तुम्हें पता ही अगर स्टोन पेपर सीजर में जो भी जीतेगा उसे अपॉर्चुनिटी मिलेगी सामने वाले को चप्पल मारने की। चलो ठीक है, खुशी तो मैंडेटरी है चाहे पूजा जीते खुशी को पिटना है। स्टोन पेपर सीजर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।